जय जगन्नाथ। ओडब्ल्यूसी एलटीआर टीचर 6025 टा पोस्ट बाहरी सारी जो थे आपंकर ओमेन्स मान पाखापाखि 1900 पोस्ट रिजर्व अच्छे तो बेटर चान्स रोच ओमेन्स मान जो मैंने मेन प्रोब्लेम रही प्राय तो से बहुत जन कोचिंग सेन्टर जापारती एडमिशन हो नाथ कौन प्रिपेरेसन न था सेल्फ स्टडी प्लस एमती एमती स्टडी मेटेरियाल नहीं पढ़ती तो बहुत बड़ खुशी खबर कहूँ आप आडा 24/7 नहीं आसी गोटे नुआ बैच प्रिलिम्स और मेन्स दुटा जाक गोटे बैच आपको कंप्लीट हो बहुत कम प्राइस रे ता सहित आपको 17% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए आप कूपन कोड यूज कर ईएस 17 तो से आपको कौन कौन मिल से जिनस मुझे कहीदे आपको मिले आप 250 आवर प्लस लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस सहित टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर डिस्कशन एंड लेक्चर पीडीएफ मिल जाए रेगुलर टेस्ट डाउट क्लीयरिंग सेसन करेंट अफेयर अपडेट सब जगह आपको सेम गोटे कोर्स मिल जाए स्पेशल बैच आरंभ हो सारे ऑलरेडी मोर डिस्क्रिप्शन रे लिंक अच्छे जॉइन कर जाऊँ आउ हाँ कूपन कोड यूज करा को भूलिबे नि डिस्काउंट पाई। सो नेक्स्ट चलतु टॉपिक रे आम कौन आज डिस्कशन करवा कौन कौन जिनस मेनली एड होती फॉर्म पकेले बेले को ऊपर ध्यान देवे सब जिन आपको डिटेल्स बुझे दूसरी सहित मुझे गोटे स्पेशल जिनस कहे जो आपको जॉब प्रिपेरेसन बहुत कम आसो जोटा आप मानने मैंने प्रमोशन तो सर एबू स्टार्ट कर टॉपिक रे जो मैंने नहीं भी नपर आम सब्सक्रिप्शन आपको कमी प्रिपेयर करार अच्छे स्पेशली आप टार्गेट दिंतु पीडीएफ जोटा आसी सारी पीडीएफटार डिस्क्रिप्शन में मोर लिंक दे ना मो टेलीग्राम लिंक रू पाइज पीडीएफ रे पूरा एक्जाक्टली आपको टॉपिक वाइज देखिए आपंकर सिलेबस कौन कौन आसो कौ कौ टॉपिक रु आसो सपोज फॉर एग्जांपल आपको हिस्ट्री रे क्या क्या उपर आस मो स्क्रीन अच्छी से आपको पढ़वार अच्छे अधिका पढ़वार ना कम पढ़वार ना अधिका रट्टा मारिक किसी जबार ना तहारि टॉपिक तहारि सिलेबस कंप्लीट करदे तो आपंकर सिलेक्शन पक्का हो ठीक अच्छे। लास्ट टाइम आपंकर ओएस रखिए आडा रू तीन जन पाई आमर ओपीएससी सिलेक्शन रैंक होल्डर देखो मोर स्क्रीन अच्छे तो ये भी सेल्फ प्रिपेरेसन करके तो आपारे सेल्फ प्रिपेरेसन करके तो चलते डिटेल्स आज नोटिस देखीद कौन कौन अच्छी कौन कौन ना आप बुझीजिए आउ थे कैटेगरी व्वज आउ गोटे जिनस फर्म एप्लाय कला बेले किसी भी भूल करेंगे ना फर्म पूरा क्लीयरली मेनसन अच्छी आउपर करेक्शन बाहर ना तार तो आप पकड़ा पूर्व सब जिन ध्यान दे दिंतु पकई सारापर आ किसी भी करहबनी भल सैलरी अच्छे भल ट्राए करूँ स्टूडेंट मैंने खासकर जो मैंने बीड करके घरे बस सुवर्ण सुजोग तो आरंभ करवा आज वीडियो एलटीआर लीव ट्रेनिंग रिजर्व ऑफिसर जो रही है टीचर मानक जोटा ऑनलाइन आरंभ हो 30/10 रु एप्लाय आरंभ हो शेष तारीख अच्छी 29/11 ता पूर्व आपको ऑनलाइन ओ डबल एससी पोर्टाल ओपन करके आपको अप्लाई करा पड़ो फुल डिटेल प्रोसेस नहीं आसवि 30 तारीख दिन स्टार्ट हो तो 30 तारीख दिन ही नहीं आसवि या कौन एप्लाई चार्जेस ना आप निजे घरे बस की एप्लाई करेंगे तो चलो नेक्स्ट जिनस विषय में किसी डिटेल्स जाना जो आपको जानवा निहाती जरूरी एप्लाय पूर्व ठीक अच्छे। तो सब प्रथम आपको देखो कौ कौ पोस्ट अच्छी टीजीटी आर्ट्स टीजीटी साइंस टीजीटी आर्ट्स टीजीटी साइंस टीजीटी पीसीएम सीबीजेड रो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बालांगर आउ हिंदी टीचर क्लासिकल संस्कृत टीचर तेलुगु टीचर उर्दू टीचर आ सहित फिजिकल एजुकेशन बा पीटी टीचर पीटी टीचर रो सैलरी टी कम अच्छे 29,900 बाकी समस्त ग्रुप बी रहा 35,400 स्टार्टिंग एटा तार सैलरी स्टार्टिंग ठीक अच्छे। नेक्स्ट जिनस होजे आपनकर एज देखो 21-38 मागिच 1/1/2024 1/1/2024 रु कैलकुलेशन हम तो 1/1/2024 रु जे मानकर हेइतिबो से माने या पई एलिजिबल ठीक अच्छे। नेक्स्ट जिनस रहउछि आपनकर को पई केतरा रिजर्व अछि पोस्ट ठीक अच्छे टोटल केतरा पोस्ट अछि सेतिरे को पोस्ट पई केते जनकर रिजर्व अछि एटा जानिबा निहाती जरूरी अप्लाई करबा पूर्वरु मेन जिनस आपनकु जानि नबा उछि कि आप जनरल पकेले फायदार रे कि एससीबीसी पकेले फायदार रे देखो ये बुझीजे सब जिन ठीक अच्छे। एटा प्रथम टोटाल 6,000 पोस्ट रु अन रिजर्व मानने जेनेल समस्ते पकई पारे एर 3,015 अच्छे जो थी 955 फिमेल मानक 3,015 रु 915 अन रिजर्व पड़ेगा फिमेल मानक ठीक अच्छे। तापर सेम जिनस रहा आमर एससीबीसी कैटेगरी 678 रहा से 224 बाहरी जीव फिमेल मानक एस सी 978 पोस्ट अच्छे से 332 के बाहरी जीव फिमेल मानक एंड एस टी 1354 फिमेल 400 टोटल पोस्ट हो गला 6025 आउ फिमेल मानक 1928 रिजर्व अच्छे फिमेल मैंने सब अधिका रिजर्वेशन पाच सो गुड लक तुम बहुत चांसेस अच्छे हबार हाँ पोस्ट रे हैंडीकैप मानक रिजर्व अच्छे पोस्ट जमीक आम 79 अच्छे टीजीटी आर्ट्स जो थी ओमेन्स र 27 अच्छी
एक्स सर्विस मैन 60 अच्छी एंड स्पोर्ट पर्सन में 20 अच्छी जो थी ओमेन्स अच्छी 7टा सेमती टीजीडी साइंस रे मध्य अच्छी टीजीडी सीबीजेट रे हमरो हिंदी टीचर रे संस्कृत रे तेलुगु रे नहीं जमारू तेलुगु रे बिल्कुल भी नहीं उर्दू टीचर रे गोटे अच्छी ओमेन्स पाई नहीं एंड पीटी टीचर भी नहीं केवल एक्स सर्विस मैन अच्छी हैंडिकैप मानक पाई नहीं ठीक अच्छे तो एतिको तार हमरो रिजर्वेशन कैटेगरी गला नेक्स्ट चलंतु जानिबा नेक्स्ट जानिबा इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बा योग्यता योग्यता को माने पके परे फॉर्म देखंतु प्रथमे तो से जने इंडियन हेतिबा दरकार गुड कैरेक्टर हेतिबा दरकार साउंड हेल्थ एंड फिजिक थिबा दरकार एगुडा तो सब जिंस छाडो मेन आसंतु एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोन कोन दरकार सेटा जानि जिबा कारण को माने या पई क्वालिफिकेशन हेबे केते परसेंट मार्क दरकार ए सब जिंस या भितरे आपनको मिलि जिवो तो क्वालिफिकेशन रहउ छियर देखंतु प्रथम टीजीटी आर्ट्स पई देखंतु म कहउ छी टीजीटी आर्ट्स पई आपनको दरकार अछि बैचलर डिग्री इन आर्ट्स कॉमर्स आर्ट्स बा कॉमर्स रे बैचलर डिग्री करथिले चलिबो और संस्कृत संस्कृत कॉलेज रे करथिले मध्ये चलिबो मिनिमम यूनिवर्सिटी मार्क रो दरकार 50% रो आपनकर मिनिमम मार्क थिबा दरकार 50% मिनिमम मार्क दरकार आउ एससी एसटी हैंडिकैप आउ एससीबीसी मान को पई 40% मार्क रे ग्रेजुएशन कर देले मध्ये चलिबो ठीक अछि एडा कोन रहउ छी एससी एसटी हैंडिकैप आउ एससीबीसी 45% एंड जनरल मान को पई 50% मिनिमम ग्रेजुएशन मार्क ता सहित आपन को दरकार बीएड किंबा एमएड फ्रॉम एनी एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन रो आपन करथिले आपन पाई परबे किंबा तार और रे कोन अछि 4 इयर इंटीग्रेटेड बीएड जदि करतिबे आपन जोटा प्लस 3 सहित हे जाय सेटा करथिले हे जइबो आपन को मिनिमम 50% मार्क किंबा एससी एसटी पई 45% मार्क रे आपन पाई परबे नेक्स्ट जिंस चलन जानबा हमरो टीजीटी साइंस पई एंड एक्जेक्टली सेम जिनस आपन को लागो छी हमरो टीजीडी साइंस रो पीसीएम सीबीजेड पई भी सेम जिनस दरकार आपन को ग्रेजुएशन 45 बा 50% जोटा एससी एसटी पई रहिछ डिफरेंट एंड बीडी करतिबा दरकार 3 इयर न होले आपन 4 इयर इंटीग्रेटेड बीडी करथिले पके परिबे आ सब जगह सेम रहिछ केवल पीटी टा डिफरेंट थिबो आपन को से पीटी टा देखे दो छी कोन छी पीटी टीचर पई प्लस टू और इट इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट आप प्लस टू करथिबा दरकार ता सहित आपन को सीपीईडी बा डीपीईडी डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन किंबा बीपीईडी बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन किंबा एमपीईडी कोनोसी भी गोटे बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी करथिबा दरकार तबे आपन एलिजिबल पीटी टीचर पई तो एतिको रहउछि यार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नेक्स्ट चलो एग्जाम पैटर्न विषय जानिबा एग्जाम पैटर्न यार होउछि स्टेज 1 रो प्रिलिमिनरी आ स्टेज 2 रो मेंस तापरे हमरो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होउछि जोडा हमर म कहतली हमरो अडा 24/7 रो जोडा थिला क्लास टा सेटा प्रिलिम आ मेन दीटा जाको थिला ता भितर कवर हे के तो आपन को दीटा जाको सेटा क्लास नै परिबे बैच आरंभ होइ सर्छि म कहतली नेक्स्ट जिनस जानतु एथि आपन को प्रिलिम पई कोन रहउछि 100 मार्क रो क्वेश्चन रहइबो इज क्वालिफाइंग नेचर एंड आमर मेन्स रे रिटन एग्जाम रहइबो 150 मार्क रो स्टेज 1 रे प्रिलिम एग्जाम जोडा एमसीक्यू टाइप रे हबो ताकु क्लियर कला पर स्टेज 2 रो मेन एग्जाम क्लियर करिया को पडिबो देन आपन को फाइनल डकरा जइबो आपन को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन पई सो ठीक अछि नेक्स्ट जिनस चलंतु जानिबा एरो डिटेल सिलेबस मध्ये ए पीडीएफ रो आपन को मिल जइबो पीडीएफ टा मोर टेलीग्राम चैनल दे दउ छी नले डायरेक्ट आपन डब्ल्यूएससी रो साइट रो पाई जिबे किंबा मोर वीडियो रे डिस्क्रिप्शन ले मध्ये मु यारो लिंक दे दै छी जोटी आपन पाई जिबे जोटी यारो डिटेल सिलेबस अछि टीजीडी आर्ट्स पई टीजीडी कॉमर्स पई सब जिनस जेमति कि एटी आपन को प्रथमे जणे देला एआईआ सब्जेक्ट रहला हिस्ट्री पॉलिटिकल जियोग्राफी सेतरे पुनी पूरा डिटेल्स रो सिलेबस मध्ये देई छी को देखंतु 33 नंबर पेज पाखरु गले तळकु आपन को मिलि जो पूरा डिटेल्स रो तरह सिलेबस जेंति कि टीजीटी आर्ट्स रो रही छी हमर हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस रो 20 मार्क तो कोन कोन टॉपिक रे आसीबो देखंतु अशोक खारबेळ समुद्रगुप्त हर्षवर्धन ए सब टॉपिक भी कोन कोन आसीबो डिटेल्स रे ताको दे देई छी तो आपन को टिके पीडीएफ टा देखियो पडियो पीडीएफ मो डायरेक्ट लिंक दे दी छी डिस्क्रिप्शन रे नले मोर टेलीग्राम रो पाई जिवो ठीक अछि ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1857 रु 1905 भितरे इंडियन नेशनल मूवमेंट पॉलिटिकल साइंस रे अपन ए पाई जिवे इंडियन एथियोटिक जियोग्राफी रे अपन को पूरा डिटेल्स रो सिलेबस छि जे गुडा को अपन को कवर करिवार अछि आ अपन को ए सब जिंस डिटेल्स रे सब्जेक्ट वाइज अपन को मिल जिवो सो वीडियो टा को शेयर कर दियंत अपन को संग मान को सहित जो माने बीट करके वेट करथिले टीचर पोस्ट पई तो तांको पई एटा बहुत भलो सुजोग से माने एमती हाथ छोड़ा न करंतु आ चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवरी गवर्नमेंट जॉब एंड डिफरेंट डिफरेंट स्कीम ऊपर आपन को वीडियो मिल जाय जगन्नाथ।